चुनाव 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 अभी के हालातों में चुनाव 2022 के चलते कई राज्यों में घमासान ठना हुआ है, पर क्यों? उत्तर है केवल चुनाव, जो लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है, जिसके बिना लोकतंत्र की परिकल्पना भी मुश्किल है, क्योंकि चुनाव हमें एक लोकतांत्रिक सरकार चुनने का अधिकार देता है। हमारे साल 2021 की शुरुआत भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से हुई थी और साल का अंत भी अगले 5 साल के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के साथ होने जा रहा है। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे खास शो चुनावी संग्राम 2021 में, जहां हम बात करेंगे बीते साल यानी 2021 में हुए विधानसभा चुनावों के बारे में। 26 फरवरी को चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनावों की तारीखों की घोषणा की थी, जिसके बाद इस साल देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से पश्चिम बंगाल के चुनाव सबसे महत्वपूर्ण थे, जिनके नतीजों पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। पश्चिम बंगाल का यह चुनाव सत्तारूढ़ी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ रही बीजेपी के लिए काफी अहम थे। दोनों पार्टी एक दूसरे को हराने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही थी, जहां दोनों पार्टियों की तरफ से कोरोना की दूसरी लहर के बीच बराबर प्रचार प्रसार हो रहा था। इस चुनाव में दोनों पार्टियों की साख दांव पर थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कुल 294 में से 292 सीटों पर 8 चरणों में वोट डाले गए, जो कि अभी तक के सबसे ज्यादा चरणों में होने वाले चुनाव थे, जिसका सबसे बड़ा कारण राजनीतिक हिंसा को बताया जा रहा है, जिसे हमने साफ तौर पर देखा भी। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण के लिए मतदान हुए थे, 1 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए, 6 अप्रैल को तीसरे चरण के लिए, 10 अप्रैल को चौथे चरण के लिए, 17 अप्रैल को पांचवें चरण के लिए, 22 अप्रैल को छठवें चरण के लिए, 26 अप्रैल को सातवें चरण के लिए और 29 अप्रैल को आठवें चरण के लिए मतदान हुए। और इन सभी चरणों के संपन्न हुए चुनावों में हमें बहुत सी चीजें देखने को मिली, चाहे वो ईवीएम मशीन का घोटाला हो, राजनीतिक हिंसा हो या फिर ममता बनर्जी का पैर में चोट लगना हो। इन सभी गतिविधियों ने बंगाल चुनाव को बाकी 4 राज्यों में हो रहे चुनावों से अधिक महत्वपूर्ण बनाया। 2 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे सामने आए और खेला खत्म हुआ, जिसमें इस साल भी सत्तारूढ़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 214 सीटों से बीजेपी को पछाड़ तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाकर सरकार बनाई। दीदी ने अपना चमत्कार दिखाया, महिलाओं और महंगाई के मुद्दे को उठाकर बीजेपी को करारी हार का स्वाद चखाया, लेकिन आखिर में दीदी के साथ ही खेला हो गया, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल जीत के बाद अपने गढ़ नंदीग्राम से हार गई और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने दीदी को उनके गढ़ में 1953 वोटों से मात दी। पश्चिम बंगाल में सबसे दिलचस्प मुकाबला इसी सीट पर था। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी चुनाव से पहले टीएमसी के कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन आपसी सियासी टकराव के चलते वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन नंदीग्राम का संग्राम यही खत्म नहीं हुआ। नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट की पूरी चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मतगणना में धांधली की गई है। चुनाव नतीजों और ममता बनर्जी के इस कदम के बाद से ही राज्य के अलग अलग इलाकों में हिंसा की शुरुआत हो गई। नंदीग्राम में भी बवाल हुआ, कई घरों और दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई और इसके अलावा दफ्तर को आग के हवाले करने की कोशिश की गई। तो वहीं दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि ये सब तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। साथ ही शुभेंदु अधिकारी समेत उनके कुछ नेताओं के साथ हाथापाई की खबरें भी सामने आईं। तो वहीं टीएमसी ने चुनाव के बाद हुई हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी के नेता घूम रहे हैं और लोगों को दंगे के लिए उकसा रहे हैं। दरअसल बीजेपी जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं उन लोगों से अपील करती हूं कि वे जनता के आदेश को स्वीकार करें। आपको बता दें, नंदीग्राम में हुई हिंसा में कई लोगों की जाने गई। बीजेपी का दावा है कि चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा में उनके 14 कार्यकर्ता मारे गए। इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में 27 मार्च से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। असम में इस बार सत्ताधारी दल बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस से थी। असम विधानसभा चुनाव 2021 के लिए कुल 126 सीटों पर 3 चरणों में मतदान हुए। असम में पहले चरण के लिए 27 मार्च को वोटिंग हुई, इसके बाद दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल और तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले गए। जब 2 मई को चुनाव के नतीजे घोषित किए तो कांग्रेस एक बार फिर सदमे में आ गई, क्योंकि बीजेपी दूसरी बार भी सत्ता के सिंहासन पर पिछली बार से ज्यादा वोटों के साथ विराजमान रही।
हेमंत बिस्वा शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी को ऊपरी असम, उत्तरी असम, मध्य असम में जबरदस्त जीत मिली। तो वहीं मुस्लिम इलाके बराक घाटी, निचले असम जैसे इलाकों में कांग्रेस सिमट कर रह गई। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने असम में पूरा जोर लगाया। कई दिनों तक बागानों में घूमी, चाय बागानों के मजदूरों जैसी साड़ी पहनी, उनके घर खाना खाया, लेकिन 50 सीटों से ज्यादा नहीं बटोर पाई, जो 2016 के चुनाव से थोड़ी ज्यादा थी और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण था। असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का AIUDF ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ गठबंधन, लेकिन असम में इस साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत के उत्तर और पूर्व में जहां चुनावों की धूम थी, तो वहीं दक्षिण में भी चुनाव का माहौल चल रहा था। दक्षिण भारत के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे जिसके नतीजे 2 मई को घोषित किए गए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर AIADMK के नेतृत्व वाले सत्तासीन गठबंधन NDA और DMK के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के बीच था। तमिलनाडु की 234 सीटों पर केवल एक ही चरण में 6 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 के नतीजे भी बाकी राज्यों के साथ 2 मई को घोषित किए गए, जिसमें लंबे अरसे के बाद प्रचंड बहुमत के साथ DMK ने बाजी मार ली। MK स्टालिन के नेतृत्व में DMK को जीत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ AIADMK को हार का झटका लगा। अगर बात करें केरल की, तो केरल में भी टक्कर का मुकाबला चल रहा था। केरल की 140 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 6 अप्रैल को मतदान हुए थे। केरल में अब तक 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले LDF सत्ता में थी और एक बार फिर यहां लेफ्ट गठबंधन ने 92 सीटों के साथ भारी जीत अपने खाते में दर्ज किया। केरल के इन चुनावों के प्रचार के दौरान राहुल गांधी लंबे समय तक मौजूद रहे और उन्होंने जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार भी कांग्रेस को हार का स्वाद चखना पड़ा। वह सिर्फ 39 सीटों के साथ सिमटकर रह गई, तो दूसरी तरफ भाजपा केरल में जीत की उम्मीद लगाए बैठी थी, जिसके लिए भाजपा ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी जान लगाने की कोशिश की, लेकिन भाजपा को इस प्रदेश में बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि 2016 में भाजपा के खाते में आई एक सीट भी इस बार केरल में 2021 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने गंवा दी। अंत में देश के छोटे से केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव हुए। पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान हुए थे, जिसमें बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार को 16 सीटों के साथ जीत हासिल हुई। पुडुचेरी में पिछले 3 दशकों से कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, जो इसी साल अल्पमत में आने के साथ गिर गई। दरअसल यामन विधानसभा क्षेत्र पूर्व कांग्रेस नेता मल्लादी कृष्ण राव का गढ़ रहा है। मल्लादी कृष्ण राव पुडुचेरी की राजनीति का बहुत पुराना और अहम चेहरा रहे हैं, जिन्होंने 1996 के बाद हुए सभी चुनावों में जीत हासिल की, लेकिन राव ने अपने कुछ समर्थकों के साथ विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वह राजनीति से छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते थे। PCC अध्यक्ष AV सुब्रमणियन ने राव को उनकी कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निकाल दिया। दिलचस्प बात यह है कि यामन में अपने समर्थकों को संबोधित करने के दौरान राव ने अखिल भारतीय नमथु राजयाम कांग्रेस AINRC और पूर्व मुख्यमंत्री N रंगासामी को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी। तो ये थे इस साल के विधानसभा चुनाव, जिसमें कहीं जीत की खुशी देखी तो कहीं जीत के बाद बवाल देखा। जहां बंगाल में हिंसा हुई, तो वहीं बंगाल की जनता ने ममता दीदी पर दोबारा अपना विश्वास दिखाया, लेकिन बंगाल के संग्राम में तृणमूल सुप्रीमो नंदीग्राम चुनावी दंगल को हार गई। लंबे अरसे के बाद तमिलनाडु चुनाव में DMK ने सत्ता में वापसी की, तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो केंद्र में काबिज बीजेपी 5 राज्यों में से असम और पुडुचेरी में अपना जादू बिखेरने में कामयाब रही, तो दूसरी तरफ केरल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल सका। इन सभी चुनावों में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। गौरतलब है कि अब अगले साल के आगामी चुनाव करीब आ रहे हैं, जिसमें फिर से 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि बाद में 2 राज्यों में भी चुनाव होने हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के चुनाव माने जा रहे हैं, जिसके लिए अभी से पार्टियों ने तैयारी करना जोर शोर से शुरू कर दिया है, जिसमें कहीं आपस में गठबंधन हो रहा है तो कहीं चुनाव जीतने के लिए एक के बाद एक वादे किए जा रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि जनता सत्ता का ताज किसे पहनाएगी। अब इस पर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में बस इतना ही। मैं शुभम त्रिपाठी, हमारे इस खास शो को लिखा है हमारी सहयोगी हिमांशी राजपूत ने।
आप देख रहे थे हमारा खास शो चुनावी संग्राम 2021। धन्यवाद।